सूरत जिला नवसारी जिले में मुस्लिम ट्रस्ट की मस्जिद मदरसा दारुल उलूम और कब्रिस्तान स्कूल और हॉस्पिटल सहित जमीन मिलकतों ने चौक्स टोड़की द्वारा निशान बना खट्टी रीते बदनाम करने बहाने रूपया पड़ा खेल चाली रो आक्षेप साथ सूरत कलेक्टर और रेन्ज आईजी आवेदनपत्र आप रजूआत कराई थी। सूरत और नवसारी जिला में आवेल मुस्लिम ट्रस्ट की मस्जिद मदरसा दारुल उलूम कब्रिस्तान स्कूल हॉस्पिटल सहित वकफनी अन्य जमीन मिलकत ने घना दिवसों की एक चौक्स टोड़की कथित समाज सेवक और मीडिया नामे सरकार विविध विभागों में सौ खोटी उपजावी काढ़ेली फरियाद करी ट्रस्टी ने हैरान परेशान और मानसिक यातना आपी एन केन प्रकार रूपया पड़ा खेल रचे है। वकफनी मिलकत ने खोटी रीते टार्गेट करे आवा ब्लेकमेलर असामाजिक तत्वों में बलेश्वर बिलाल शेख सैयदपुरा खाते रहता शाबेर शेख विरुद्ध सरकार द्वारा कड़क दाखलारूप कार्यवाही करी मांगणी साथ दक्षिण गुजरात मुस्लिम समाज सूचित द्वारा सूरत कलेक्टर रेन्ज आईजी सूरत आवेदन पत्र आप उग्र रजूआत करी थी। आज रोज दक्षिण गुजरात मुस्लिम समाज वती सूरत तापी और नवसारी जिला मुस्लिम समाज आगे कलेक्टर श्री सूरत समक्ष एक रजूआत करवा आया है। रजूआत मुख्य हेतु है कि छेल्ला घना समय थी एक चौक्स टोड़की समाज सेवा नामे ने मीडिया नामे भेगी थी जो मुस्लिम समाज धार्मिक और सामाजिक ट्रस्टो है एने टार्गेट कर रही है ट्रस्टीओ ने खोटी रीते बदनाम कर रही है सरकारी विविध विभागों में खोटी रीते सौ उपजावी काटेली खोटी खोटी अर्जी करे आईटीआई करे आईटीआई ने धंधो बना दीदो है रोजगार बना दीदो है ये रीते जे प्रमाण मुस्लिम समाज आगे ने हैरान मानसिक यातना आपी रही है एनी विरुद्ध में आज सौ मुस्लिम समाज आगे भेगा थी दक्षिण गुजरात मुस्लिम समाज नेजाटाट कलेक्टर समक्ष एटली रजूआत करवा आया कि आवा असामाजिक तत्वों विरुद्ध में ओलपाट पुलिस स्टेशन पलसाणा पुलिस स्टेशन के नवसारी अंदर अरजीओ पेन्डिंग है गुना दाखल थता नहीं तो आवा तत्वों की विरुद्ध में तात्कालिक गुना दाखल करवामां आवे गुना रजिस्टर करवामां आवे अने सरकार द्वारा आवा असामाजिक अने खंडणीखोरो विरुद्ध तात्कालिक असर थी कि जे सरकारना विविध विभाग में खोटी आरटीआई अरजीओ करीने पोतानो रोजगार बनावी दीधो आवा खंडणीखोरो विरुद्ध तात्कालिक पासा के गुस्सी टोकने कार्यवाही करवामां आवे एवी मांगणी माटे आव्या। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज सूरत। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।